अगर आप फेसबुक का पासवर्ड भूल गए या फिर चेंज करना चाहते हो तो इस वीडियो पे शुरू से एंड तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं हूं जेनु खान और आप देख रहे हैं जेनु टेक चैनल। तो फेसबुक का पासवर्ड यहां पे बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको रिसेट करना सिखाऊंगा, चेंज करना भी सिखाऊंगा, बदलना भी सिखाऊंगा, और जो कोड आता है नहीं आता उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व भी करना सिखाऊंगा। तो शुरू से एंड तक मोबाइल के स्क्रीन पर बने रहें। तो गाइस यहाँ पे फेसबुक से रिलेटेड ये वीडियो था, तो मैं मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुका हूँ और यहाँ पे फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करता हूँ। यहाँ पे मेरा आईडी जो कि लॉगिन नहीं है, यहाँ पे मैं आपको रीसेट करना, पासवर्ड चेंज करना, और पासवर्ड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा या नहीं याद है तो उसको रीसेट करने से अच्छा कैसे शो करके देख सके वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो यहाँ पर सिंपली आना है, मोबाइल के सेटिंग पर आना है। सेटिंग में आने के बाद आपको सीधा स्क्रॉल करते हुए नीचे आपको आना है, गूगल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका एक ईमेल आईडी आएगा, उसमें मैनेजर अकाउंट पे क्लिक करना है। फिर इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी पे क्लिक करना है आपको। सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सीधा नीचे आना आपको, फिर यहाँ पासवर्ड मैनेजर लास्ट में आपको दिखेगा स्क्रॉल करते हुए। फिर आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी इसमें आप लॉग इन करते हो उसमें आपका पासवर्ड शो करना है तो यहीं पर दिखाएगा। तो ये वाला फेसबुक वाला ऑप्शन क्लिक कर लेते हैं। फिर यहाँ पर मेरा लॉग पूछ रहा है, फिर यहाँ पर आप शो करके देख सकते हो। ये हो गया, आप लॉगिन करने के बाद है ना आपके पास एक इंटरफेस होता है कि मेरे पास रिकवरी के लिए रजिस्टर नंबर नहीं है। तो ईमेल आईडी तो होगा, ईमेल आईडी नहीं तो फेसबुक अकाउंट अटैच होता है अभी जो कि व्हाट्सएप से, तो फेसबुक व्हाट्सएप अकाउंट तो होगा। अब वो भी नहीं है तो ऐसे केस में क्या करें, तो ये भी पॉसिबल नहीं। लॉगिन कर लेता हूँ मेरा फेसबुक अकाउंट। अबे बिना ओटीपी का यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब यहाँ पे थ्री डॉट्स पे आना है, इस पर क्लिक करना है। फिर इधर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना है। फिर सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आप नीचे आओगे ना तो यहाँ पर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी फिर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर चेंज पासवर्ड, और इसमें दो आईडी है मेरी, तो यहाँ पर आप करंट पासवर्ड आपको नहीं पता है या भूल गए जैसे मैंने पिछला वाला बता दिया उसको देख के भी आप चेंज कर सकते हो, नया पासवर्ड डाल सकते हो। अब ऐसे ही इसके बाद है ना एक स्टेप और आएगा, ओटीपी। ओटीपी नहीं है तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये मैंने चीज़ आपको पहले ही क्लियर कर लिया। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि बिना ओटीपी का आपका अकाउंट रिकवर नहीं होगा, चाहे आप लाख वीडियो देख लो, लाखों वीडियो में भी आपको ऐसे कोई एक वीडियो नहीं मिलेगा। तो आशा करता हूँ ये छोटा सा मैंने नॉलेज आप तक पहुँचाया, सिखाया कि कैसे रिकवर करना है, कैसे पासवर्ड चेंज करना है, कैसे पासवर्ड को शो करना है, ये सारी चीज़ें थी आप तक मैंने शेयर कर दिया। तो आशा करता हूँ छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, और ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए।